सो दोस्तों आज फिर एक भाई ने हमसे पूछ लिया कमेंट में कि भाई मेरा सब्सक्राइबर हाइड है, मतलब सब्सक्राइबर हम हाइड कर लिए थे भाई, उसको ना हाइड कैसे करें, मतलब फिर दिखाएं कैसे सब्सक्राइबर, जैसे सब्सक्राइब 100 होता, जैसे आपका सब्सक्राइब 200 है तो भाई आपने हाइड कर लिया तो वहाँ पर आपका सब्सक्राइबर नहीं दिखाता, अगर फिर अनहाइड करेंगे तो फिर से आपका सब्सक्राइब दिखाने लगेगा। तो भाई उसने हमसे पूछा कि आप अनहाइड कैसे करें, अनहाइड करना नहीं आता। तो भाई आज के इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि सब्सक्राइबर आपका हाइड है और अनहाइड आप कैसे कर सकते हो। तो भाई फिर से आप सब्सक्राइब दिखाना चाहते हो, अनहाइड करना चाहते हो, तो भाई आज हम अनहाइड करना बताएंगे। तो भाई चलते हैं वीडियो की तरफ और बता देते हैं कि एक भाई ने हमको कमेंट किया था, वहाँ पे यहाँ पे आपको उस भाई का कमेंट पढ़ सकते हो, उस भाई ने हमको बताया था कि सब्सक्राइब अनहाइड कैसे करें। तो भाई चलते हैं वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो बगल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग शो होगा तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं कि कैसे अनहाइड किया जाता है। सबसे पहले हम आपको अपना सब्सक्राइबर दिखा देते हैं हाइड है या अनहाइड है। तो हम चलते हैं यूट्यूब पे चलने के बाद आपको जो हम अपने चैनल पे चल के दिखा देते हैं। तो यहाँ पे चैनल पे क्लिक करने के बाद उसको योर चैनल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा सब्सक्राइब के बाद आपको जो हम अपने चैनल पे चल के दिखा देते हैं। तो यहाँ पे चैनल पे क्लिक करने के बाद उसको योर चैनल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा सब्सक्राइब जो हाइड किया हुआ, यहाँ पे सब्सक्राइब मेरा कितना है नहीं आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि मेरा कितना सब्सक्राइब है। दोस्तों असली में मेरा 1.90 के सब्सक्राइबर है तो यहाँ पे अभी सब्सक्राइब शो नहीं हो रहा। तो अभी हम दिखा देते हैं कैसे आपको सब्सक्राइब शो होगा, कैसे अभी मेरा जो है जो सब्सक्राइब हाइड किया हम अनहाइड कैसे करेंगे। तो अभी हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो सोनी 4K ब्लॉग। तो अभी हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो आपको क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना। तो अभी हम क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। तो क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको क्या क्या करना है, तो यहाँ पे देख सकते हो क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर दोस्तों एक ऑप्शन दिखाएगा यहाँ पे थ्री बिंदु पर आपको क्लिक कर देना है। तो थ्री बिंदु पर क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे हल्का और ऊपर करना है। तो यहाँ पे नीचे हमको एक दिखाई देगा डेस्कटॉप साइड। तो डेस्कटॉप साइड के दोस्तों यहाँ पे आपको इस बॉक्स में क्लिक कर देना है, सही का निशान लग जाएगा। तो यहाँ पे सही का निशान देख सकते हो दोस्तों लग चुका है, सही का निशान लग गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपका चैनल आ जाएगा। तो चैनल का वेट करते हैं दोस्तों, नेट बहुत फास्ट नहीं चल रहा, साइड ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे समझना है, ऊपर में आपको आपका चैनल दिखाई देगा ऊपर में। तो यहाँ पे देख सकते हो एक छोटा सा आपका चैनल दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो हम अभी चैनल पे क्लिक कर लेते हैं। चैनल पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दोस्तों आपको चले जाना है योर चैनल पे। तो दोस्तों अभी हम दिखा देते हैं, यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा योर चैनल। तो योर चैनल पे आपको क्लिक कर देना है। योर चैनल पे जैसे भी हम क्लिक करते हैं, योर चैनल पे क्लिक करने के बाद आपका चैनल पे दोस्तों ये डायरेक्ट चैनल पे लेकर चला जाएगा। तो चैनल पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाएगा कस्टमाइज चैनल और दोस्तों एक मैनेज वीडियो। तो आपको कस्टमाइज चैनल पे क्लिक कर लेना, सिर्फ कस्टमाइज चैनल पे ही क्लिक करना आपको। तो कस्टमाइज चैनल पे भी हम क्लिक कर लेते हैं। तो आ जाते हो तो यहाँ पे स्टूडियो में आने के बाद आपको यहाँ पे दोस्तों आपका यहाँ पे डेस्कटॉप दिखाई देगा स्टूडियो। तो आपको हल्का जूम करके दोस्तों नीचे आपको देखना, जैसे नीचे आपको दिखा यहाँ पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाएगा नीचे। तो सेटिंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना, जैसे हम सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका सेटिंग ऑन हो जाएगा। और सेटिंग ऑन होने के बाद आपको क्या करना, यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको दिखाई देगा चैनल का। तो दोस्तों दो नंबर में चैनल का ऑप्शन दिखाई देगा, दो नंबर में ये दोस्तों दो नंबर में आपको चैनल दिखाई दे रहा था, आपको चैनल पे क्लिक करना है। तो चैनल पे क्लिक कर लिए हम। चैनल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों और आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा आपको एडवांस सेटिंग। दोस्तों यहाँ पे आपको एक एडवांस सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर दोस्तों आपको क्लिक करना है एडवांस सेटिंग पे। यहाँ पे देख सकते हो एडवांस सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे एडवांस सेटिंग पे क्लिक कर लिए और हल्का आपको ऊपर करना है, ऊपर करते जाना, ऊपर करते। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको सब्सक्राइब काउंट का ऑप्शन दिखाएगा, एक सब्सक्राइब काउंट पे दोस्तों एक ऑप्शन है, उस पर दोस्तों यहाँ पे दोस्तों कुछ टिक कर देना है। तो आपको यहाँ पे टिक कर लेना सब्सक्राइब काउंट पे। दोस्तों हम यहाँ पे टिक कर लिए। अब नीचे दोस्तों आपको एक सेव का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, आपको सेव कर लेना है। तो अभी हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेव कर चुके और अब हम चलते हैं मोबाइल पे और यूट्यूब पे दिखा देते हैं दोस्तों हुआ कि नहीं हुआ। तो यूट्यूब पे चल के भी हम दिखा देते हैं। तो हम आ गए यूट्यूब पे, अब हम देखते हैं सब्सक्राइब मेरा अनहाइड हुआ या नहीं। तो यहाँ पे हम चैनल पे चलते हैं और चैनल पे चलने के बाद यहाँ पे हम योर चैनल पे क्लिक करते हैं। योर चैनल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा सब्सक्राइब यहाँ पे दिख रहा, यहाँ पे 1.90 के दिख रहा। दोस्तों उस टाइम मेरा सब्सक्राइब नहीं दिख रहा था, अब दोस्तों मेरा सब्सक्राइब दिख रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा सब्सक्राइब दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है कितना सब्सक्राइब। तो यहाँ पे अनहाइड हो चुका। दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ भाई चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को कर देना लाइक। तो चलते हैं हम अगली वीडियो में।